पेरिफेरल में ये घर बना के रखा है, तो यह रेस्ट हाउस है। और अभी सनसेट का टाइम हो चुका है, सूरज पूरा नीचे धीरे धीरे डूब रहा है और हम यहाँ पर आया है। तो देखो इधर पूरा, तो इधर ये एक रास्ता है पूरा ग्रीन, देखो। तो अभी तो ये पूरा ग्रीनरी है, लेकिन दो तीन महीने के बाद, दो तीन नहीं सिर्फ दो महीने के बाद या एक महीने के बाद ये पूरा येलो हो जाएगा। जून जुलाई में यहाँ पर पूरा पानी हो जाता है और ये अगस्त सितंबर में पूरा ग्रीन हो जाता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। लेकिन विंटर में पूरा येलो हो जाता है ये, उस टाइम में ये जो धान है ना, उस टाइम में धान निकलता है ना। तो देखो यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, कहा गया ये, अरे फोकस करो, और ये पूरा ग्रीनरी का बीच में यहाँ पर एक घर है देखो। तो इस साइड से तो व्यू अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन उसका ऑपोजिट साइड से एक अलग ही फ्रेम आ जाता है, उधर घर, ये ग्रीन और इधर ये सनसेट। तो सूरज अभी पूरा डूब चुका है इधर, तो अभी हम भी यहाँ से चलते हैं। रह के थोड़ा अलग ही फील आता है ऐसे जगह में, इधर ये घर और इधर ये व्यू। ये जो ग्रीनरी है ना विंटर सीजन में पूरा येलो, मतलब कलर ही पूरा येलो हो जाएगा ना, उसके बाद फॉगी, उस टाइम में व्यू ही कुछ अलग हो जाएगा। और अगर यहाँ पर नारियल का पेड़ होता ना, मतलब जगह जगह में पूरा केरला का फील आ जाता। तो अभी सुबह का 5:30 बज रहा है और इधर देखो आप 5:30 बजे में व्यू कैसे दिखाई देता है। ये देखो धान में ये जो पानी, देखो यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। इधर है ये धान और यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है, और इधर देखो ये है तामुल का पेड़, बेतलनाट, इधर आप देख सकते हैं, ये सब बेतलनट का पेड़ है। और यहाँ पर खेती लगाता है, तो इधर है बैंगन का खेत, आई बैंगन, तो इधर है बैंगन का खेती, और इधर भी कुछ कुछ लग गया है शायद, मालूम नहीं। सुबह की खूबसूरती का एहसास सिर्फ उसी को होता है जो वॉक पर जाग जाए। इधर देखो, जब सूरज ऊपर था तभी आया था मैं, अभी पूरा यहाँ तक पहुँच गया सूरज। इधर का धान अभी पक चुका है, पूरा येलो हो चुका है देखो आप, येलो ग्रीन, और थोड़े दिन के बाद इधर भी पूरा येलो हो जाएगा, पूरा येलो हो जाएगा ये, उस टाइम में नजारा ही कुछ अलग हो जाएगा। ये पर देखो धान, और ये है
बोगरी का पेड़ जुजुबी, और ये है जुजुबी का पेड़, ये बोगरी का पेड़ है। तो अभी इसका भी फूल फूल चुका है, यहाँ पर आप देखो कीड़ा देखो। तो कुछ और दिन के बाद यह का भी पानी पूरा सूख जाएगा, उस टाइम में गाय बकरी लोगों को पानी खिलाने के लिए पूरा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर रह के बहुत ही शांति लग रहा है, इधर उधर से पूरा हल्का सा हवा आ रहा है, और यहाँ पर मैं अकेला हूँ। क्या ही खूबसूरत हवा है, और इधर है ये नज़ारा, पूरा धान, और इधर सनशाइन हुआ था तो अभी सूरज पूरा ऊपर चला गया। 5:30 ए समय में आया था, तो अभी कितना बज गया होगा देखिएगा, तो अभी तो 6:15 बज रहा है। यहाँ से हिलने के लिए मन ही नहीं हो रहा है, क्या ही खूबसूरत है यहाँ, पूरा शांति लग रहा है दिल को। तो ऐसे ही धान खेती में पानी लेके जाता है ऐसा कैनल से, आप देख सकते हैं। पावर ऑफ सैमसंग।